मूवी टीवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट लॉस्ट सीजन 3 एपिसोड 9। इस एपिसोड में एपिसोड 7 के बाद की कहानी बताई गई है। एपिसोड 7 में हमने देखा था कि बेन का ऑपरेशन हो गया है और जूलियट ने सॉयर और केट को भागने में मदद करते वक्त डैनी को मार दिया था। अब आगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा देता है। क्या कर दिया? अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें सॉयर और केट को दिखाया जाता है, वो दोनों बोट से दूसरे आइलैंड पे जा रहे होते हैं कि तभी केट उसे कहती है कि हमें जैक को बचाने के लिए वापस जाना होगा। तब सॉयर उस पे चिढ़ जाता है। तब एलेक्स का बॉयफ्रेंड बीच में बोलता है कि तुम केट से प्यार करते हो और केट जैक से। सॉयर इस बात से हंसता है और वापस जाने के लिए मना कर देता है। अब हमें जैक को दिखाया जाता है, उसे टॉम बोलता है कि तुम्हें अब दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। तब जैक को लगता है कि वो अब उसे मार देंगे क्योंकि अब उसका काम वहां पे हो गया है, पर टॉम उसे कुछ नहीं बोलता और उसे हथकड़ी पहनकर वहां से लेकर जाता है। और तभी जूलियट को भी हथकड़ी पहनाकर उस जैक वाले कमरे में लेकर आते हैं। और तभी जैक देखता है कि वहां पर एक नई औरत भी आ गई है। अभी हमें जैक का पास दिखाया जाता है, वो एक बीच पर घूमने आया होता है। वो एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक खरीदता है और वही बीच पर पतंग बनाने के काम में लग जाता है, पर उसे पतंग बनानी नहीं आती। तब वहां एक लड़की उसके पास आकर वो पतंग बनाने में मदद कर देती है। पतंग बनाने के बाद वो दोनों पतंग उड़ाते हैं। तब हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम अचरा होता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। जैक को स्वायर वाले पिंजरे में रखा होता है। तब टॉम उसके लिए खाना लाता है। जैक टॉम को अंदर वाली लेडी के बारे में पूछता है। तब टॉम बताता है कि वो यहाँ की शेरिफ है। तब जैक उसे पूछता है कि जूलियट को उसके रूम में क्यों रखा है। तो टॉम बताता है कि वो अब मुसीबत में है। इधर ये तीनों दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए हैं। केट एलेक्स के बॉयफ्रेंड को आइलैंड के बारे में पूछती है। तब वो वहां के बारे में सब कुछ केट को बताता है। जैक के पास जूलियट आती है और बेन के बारे में बताती है। उसे बेन को चेकअप करने के लिए बुलाती है, पर जैक वहां आने से मना कर देता है। जैक को लगता है कि जूलियट ने अगर बेन के काम कर दिए तो बेन जूलियट को छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं होता। जूलियट ने एक आदमी को मारा होता है जिसकी वजह से वो बेन का काम कर रही होती है। जैक उसे पूछता है कि उसने किसको मारा, पर जूलियट उसे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। अब हमें फिर से जैक का पास दिखाया जाता है। अचरा का भाई जैक के लिए एक स्पेशल डिश बनाकर लाता है। जैक को डिश बहुत पसंद आती है और अचरा के भाई को भी जैक अच्छा लगता है। अब अचरा जैक के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है और वो बोलती है कि उसने जैक के लिए गिफ्ट भी लाया है। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ जैक से मिलने वो शेरिफ आती है। वो जैक का टैटू पढ़ती है। वो टैटू चाइनीज में होता है और उस शेरिफ को वो टैटू पढ़ना आता है। उस टैटू का मीनिंग शेरिफ बताने ही वाली होती है, पर जैक बोलता है कि उसे उसका मीनिंग मालूम है। अब शेरिफ अपना नाम इजाबेल बताती है। वो जैक को अपने साथ लेकर जाती है। इजाबेल इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो जैक को पूछती है कि क्या जूलियट ने बेन को मारने को कहा था। तब जैक बोलता है कि उसने झूठ बोला था क्योंकि उसे अपने फ्रेंड को यहाँ से भगाना था। शेरिफ उसे झूठ बोलने का कारण पूछती है तो जैक अपने पिंजरे में वापस जाना चाहता है, ऐसा उसे बोलता है। अब फिर से सीन पास्ट में आता है, जहाँ अचरा आधी रात में जैक के रूम में आती है और बिकनी पहनकर उसके साथ सोकर किस करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही जैक का गिफ्ट होता है। और ऐसे ही किस करते करते वो पलंग से नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरते ही दोनों वहां पे घपाघप करना चालू करते हैं। और तभी सीन प्रेजेंट में वापस आता है। जैक सोकर उठता है तो वो पिंजरे के बाहर देखता है कि बाहर बहुत सारे आदमी है। उसमें से एक लेडी आकर जैक से बात करती है। तब जैक को पता चलता है कि वो यहाँ घूमने आए हैं और उसमें से एक छोटी लड़की बोलती है कि वो जैक को टीवी पर देखती है। तब जैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सब पर चिल्लाता है। वो सब वहां से चले जाते हैं। अब हमें केट को दिखाया जाता है। केट सोकर उठती है तो देखती है कि कार्ल चला गया है, तो दोनों उसे ढूंढने लगते है। तो स्वायर को कार्ल की रोने की आवाज आती है। स्वायर उसे अकेले ही बात करने जाता है। वो कार्ल को बोलता है कि तुम स्ट्रॉन्ग बॉय बनो, रो मत।
और सॉयर उसे ये भी बोलता है कि वापस जाकर एलेक्स को बचाओ। तो कार्ल बोलता है कि अगर वो वापस गया तो वो लोग उसे मार देंगे। इधर जैक के पास एलेक्स आती है और उसे पूछती है कि उसने बेन को क्यों बचाया। तब जैक उसे पूछता है कि क्या वो बेन की बेटी है, तो वो हाँ कहती है। फिर वो जूलियट के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि तुम्हारे दोस्तों को मारने वाला डैनी उसको जूलियट ने मार डाला है और उसी की वजह से उस पे मुकदमा चल रहा है। तब फिर से एलेक्स अपने क्वेश्चन का आंसर पूछती है, तो जैक बताता है कि उसने उसे इसलिए बचाया क्योंकि उसने बेन को वादा किया था। और अब जैक एलेक्स को उसे बेन के पास ले जाने को कहता है। बेन के पास आने के बाद जैक बेन का घाव देखता है और बताता है कि उसके घाव पर इन्फेक्शन हो गया है, अगर उसके कोई डॉक्टर ध्यान से केयर नहीं करेगा तो बेन चल नहीं पाएगा। तब बेन उसे कहता है कि उसके बदले उसे क्या चाहिए। तब जैक उसे कहता है कि जूलियट को उसकी मुकदमे से बरी किया जाए, तो बेन मान जाता है। और तभी सीन पास्ट में आता है जहां जैक अचरा का पीछा करते हुए एक घर में जाता है, पर अचरा उसे देख लेती है। जैक उसे पूछता है कि क्या तुम एक टैटू आर्टिस्ट हो, पर अचरा मना करती है। अचरा बोलती है कि वो इंसान कैसा है वो देख सकती है और यही उसका गॉड गिफ्ट है। तब जैक उसे पूछता है कि बताओ मैं कैसा हूँ। अचरा मना करती है पर जैक उससे जबरदस्ती पूछता है। तब अचरा बताती है कि वो एक ग्रेट इंसान है पर वो एक गुस्सेल और घमंडी आदमी भी है। तब जैक बोलता है कि अब उसी का टैटू उसके शरीर पर बना दो और जबरदस्ती उससे वो टैटू बनाने लगाता है। तब अचरा टैटू बनाने लगती है और तब फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। जैक और एलेक्स बेन का लेटर लेकर उसी शेरिफ के पास आते हैं। उसमें लिखा होता है कि जूलियट के शरीर पर एक मार्क बनाकर इस केस से उसे छोड़ दिया जाए। अब सीन फिर से पास्ट में आता है जहां जैक बीच पर जा रहा होता है। वो उसी बच्चे से कोल्ड ड्रिंक मांगता है पर तभी वो बच्चा डर के भाग जाता है क्योंकि जैक के पीछे अचरा का भाई और कुछ गुंडे आए होते हैं। वो जैक का टैटू देख के जैक को बहुत मारते हैं और उसे इस देश को छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं। जैक देखता है कि वह अचरा भी खड़ी होकर देख रही है और तब फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहां जूलियट जैक के लिए खाना लाती है। तब जैक उसे उसका मार्ग दिखाने को बोलता है और फिर वो उस पे एलोवेरा भी लगा कर देता है। तब जूलियट उसे हेल्प करने का कारण पूछती है। तब जैक बताता है कि वो इस आइलैंड से जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, पर तभी जूलियट बताती है कि वो अब इस आइलैंड से दूसरी जगह जाने वाले हैं। जैक के सुन के अचंभित हो जाता है। अब हमें केट को दिखाया जाता है। केट सॉयर को पूछती है कि कार्ल कहाँ गया है, तो सॉयर बोलता है कि उसे उसने जाने को कहा है और फिर दोनों अपने कैंप में जाने को तैयार हो जाते हैं। इधर बेन और उसके सारे आदमी आइलैंड को छोड़कर निकल जाते हैं। केट और सॉयर भी कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं और यहीं पे एपिसोड 9 एंड होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए घंटे को भी बजा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।